बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आपां तुहाडे नाल सांझियां करांगे शिव कुमार बटालवी जी दीआं रचनावां। पर उस तो पहला आपां छोटी जी झलक उन्हां दी जिंदगी ते वी पाउने आ। शिव कुमार जी का जन्म बड़ा पिंड लोटियां जिला गुरदासपुर विच श्री कृष्ण गोपाल दे घर 8 अक्तूबर 1937 ईस्वी नूं श्रीमती शांति देवी दी कुखों होया। शिव ने 1953 ईस्वी विच मैट्रिक कीती ते फिर FSC करके पढ़ाई वालों दिल उचाट हो गया। कुछ समा पटवार दा काम किया पर नौजवान शायर लई इह किता रास ना आया। शिव दे कोल बिरहा भरे गीत सन ते उन्हां नूं गाउण लई सोज भरी आवाज़, इसलिए उसकी बहुत दर्द भरी आवाज़ स्टेजा ते गुंजन लगी ते वह पंजाबी दा प्रमुख कवि हो निपड़िया। उन्हां दी प्रसिद्ध काव्य पुस्तकां हन पीड़ा दा परागा, लाजवंती, आटे दीआं चिड़ियां, मैनू विदा करो, लूणा, आरती, मैं ते मैं आदि, बिरहा तू सुल्तान उन्हां दा चोणवा काव्य संग्रह है। आप दी काव्य रचना लूणा नूं भारतीय साहित्य अकैदमी वल्लों पुरस्कार मिलिया है। उन्हां दा देहांत पर जवानी दी उम्र विच 7 मई 1973 ईस्वी नूं हो गया। ते पहली रचना उन्हां दी है बच्चो धर्मी बाबला। ते इस विच इक धी अपने बाबल अगे करुणामई हाव भाव पेश करदी है, जिस नूं अपनी मर्जी अनुसार अपने प्रेमी नूं अपना जीवन साथी बनाउण दी खुल नहीं दित्ती जांदी। ते प्रसंग भी यही है बच्चों, एक काव्य टोटा साहित्य माला पुस्तक विच दर्ज शिव कुमार बटालवी दे गीत धर्मी बावला विचों लिया गया है। इस विच एक कुड़ी अपने बावल अगे करुणामई भाव अंकित करती है, पेश करती है, है ना। ते चलो फिर देखिए आपां किहड़े भाव ने। जद पैण कपाही फुल वे धर्मी बावला, सानू ओ रुत लै दे मुल वे धर्मी बावला, इस रुत्ते मेरा गीत गवाचा जिहदे गल बिरहों दी गानी, मुख ते किल गवां दे नैणी उजड़े खूह दा पाणी, गीत के जिसनू होठ चो आया जाए कथूरी हुल वे धर्मी बावला, सानू गीतो लै दे मुल वे धर्मी बावला, जेड़ी रुत्त विच इस समय मैं लंघ रही हाँ इस रुत्त विच मेरा वो गीत रूपी प्रेमी गुआच गया है, जिस दे गल बिरहा दी गानी पाई हुई है, उस दे मूँह उत्ते गवां दे किल हन अते अखां विच उजड़े खूह दा पाणी है, वो गीत अजिहा है कि उसनू बुल छुआंदिया ही हवा विच कस्तूरी दी खुशबू फैल जांदी सी। हे मेरे धर्मी बाबला, मैनू मेरा गुआचा गीत जे मुल मिल सकता है तां लै दे। एक दिन मैं ते गीत मेरे इस टूने हारी रुते, दिलां दी धरती वाही गोडी बीजे सुपने सुचे, लख नैणा दे पाणी सिंजे पर ना लगे फुल वे धर्मी बाबला, सानू एक फुल लै दे मुल वे धर्मी बाबला। ती कहंदी है कि हे धर्मी बाबला, एक दिन मैं ते मेरे गीत रूपी प्रेमी ने इस टूने हारी रुत्त विच दिलां दी धरती नूं वाया ते गोडिया सी अते उस विच प्यार दे सुचे सुपने बीजे सन, असी उस खेती नूं नैणा दे लखां पाणियां नाल सिंजिया सी पर उसनू फुल नहीं लगे। हे मेरे धर्मी बाबल, मैनू प्यार दी उस खेती दा एक फुल जे मुल मिल सकदा होवे तां लै दे। केड़े कम इह मिलख जगीरां जे धीआं कुमलाइयां, केड़े कम तेरे मान सरोवर हंसनियां त्रिहाइयां, केड़े कम खिलारी तेरी चोग मोतियां तुल वे धर्मी बाबला, जे रुत्त ना लै दे मुल वे धर्मी बाबला, जद पैण कपाही फुल वे धर्मी बाबला। ती कहंदी है कि हे बाबल, तेरियां वड्डियां वड्डियां मिलखां जगीरां किस कम जे तेरी ती कुमलाई होवे, तेरे मान सरोवर किस कम दे जे तेरियां धीआं हंसनियां वर्गियां त्याईयां रहन, तेरी मोतियां तुल खिलारी चोग भी किसे कम नहीं जे तेरियां धीआं अतृप्त रहन। हे धर्मी बाबल, सानू वह रुत्त जेकर मुल भी मिल सकती है तां लै दे,
जिस रुत विच कपाह नूं फुल पैंदे हन। बहुत सोहना लिखते सन बच्चो, कमाल गाउंदे वी बड़ा सोहना सन। सुनिया करो यूट्यूब के उपर शिव कुमार जी के गाए हुए गीत, बहुत सोहने। केंद्रीय भाव की है बच्चो, शिव कुमार बटालवी की कविता धर्मी बाबला विच ओ धी जिसनू अपने प्रेमी नू अपना जीवन साथी बनाउण दी खुल नहीं दिती जांदी, वो अपने बाबल अगे करुणामई हाव भाव बयान करती कहती है कि हे बाबल, तेरियां वड्डियां वड्डियां मिलखां ते जगीरां किसे काम नहीं, जेकर तेरियां धीआं दा मन खुश नहीं, आखर मानसरोवर दी झील किस काम है, जेकर उत्थे हंसनियां तिहाइयां रह जाण करके तड़फदियां रहन। शिव कुमार बटालवी की कविता धर्मी बावला विच धी इहो कहती है भी इहो जी रुत सानू लै दे जिथे मेरे सुपने पूरे हो जाण। ठीक है, प्रश्न उत्तर बचो, धर्मी बावला किन्ना ने लिखे? शिव कुमार बटालवी जी ने। धर्मी बावला कविता विच किसते भाव अंकित किते हन? जवान धी दे। जवान धी धर्मी बाबल तो की मांग करती है? जीवन साथी चुन दी खुल। धर्मी बावला गीत विच किहो जिहे भाव अंकित हन? करुणामई दुख वाले। जवान कुड़ी बाबल तो किहो जिही रुत की मांग करती है? मन नू खुशी देण वाली। जवान कुड़ी जीवन दे किहो जिहे पड़ाव विचों लंघ रही है? बिरहा भरे। धर्मी बाबला कविता विच गीत किस चीज़ का चिन्ह है? प्रेमी का। गीत रूपी प्रेमी दे गल विच कादी गानी है? बिरहो दी। गीत रूपी प्रेमी दे मूँह ते की हन? गमां दे किल। गीत रूपी प्रेमी दी अखां विच की सी? उजड़े खूह दा पाणी। गीत गाउंदिया ही हवा विच किस दी खुशबू फैल जांदी सी? कस्तूरी दी। प्रेमी दे नैण टूणे हारी रुत विच किस नूं वाया ते गोड़िया? दिल दी धरती नूं। बच्चे बहुत सोहना, मतलब दर्दनाक गीतां दी आवाज़ सन शिव कुमार बटालवी, बहुत सोहना गाउंदे सन ते लिखते सन। अगे आ गई आरती। बच्चो आरती, आप किसी की आरती करते हूँ सिरलेख तो पता लग जाता, तो यह आरती है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बारे। बहुत सोहना लिखा भी मैं केड़ी आरती करा भी जेड़ी तेनू ढुक सके, भी मेरी कोई भी आरती तेरे तक तेरे काबिल नहीं है, भी मैं की आरती करा भी तू इन्ना महान योधा बलवान अपने परिवार को वारन वाला है, मेरे को आरती लई कुछ भी नहीं है तेरे जोगा। बहुत सोहना लिखे बच्चों। प्रसंग देखते हैं आप इन्हें पूरी कविता का। एक काव्य टोटा साहित्यमाला पुस्तक विच दर्ज शिव कुमार बटालवी की लिखी हुई कविता आरती विचों लिया गया है। इस कविता विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नू संबोधन करने के भाव अंकित हैं। इस कविता विच कवि ने गुरु जी की उच्ची करने बारे बयानिया है ते अपने थोथे जीवन का एहसास दुखी होकर किया है। कवि अनुभव करता है कि जिन्ना चिर मनुख अपने जीवन के आदर्श नू गुरु गोबिंद सिंह जी के उच्च करने वाले ते कर्मयोगी जीवन अनुसार नहीं ढाल लैंदा, उन्ना चिर वह उन्हां दी आरती करन लई ढुकवां गीत गाउण दे समर्थ नहीं है। इन्हां सत्रां विच कवि अनुभव करता है कि वह थोथे जीवन वाला होण करके गुरु जी दी उच्ची करने नाल भरपूर गीत गाउण दे समर्थ नहीं है। मैं किस हंजू दा दीवा बाल के तेरी आरती गावां, मैं किहड़े शब्द दे बूहे ते मंगण गीत अज जावां, जो तेनू करन लई भेटा मैं तेरे द्वार ते आवां। कवि कहिंदा है कि हे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, मैं इहो जिहा किहड़ा गीत गावां जो तेनू ढुके, कित्थों शब्द लै के आवां जो तेरों मैं संबोधन कर सकां। कवि दे भाव हन कि गुरु जी के जीवन विच भावें दुखी दुख आए पर उन्होंने अपनियां अखां विचों अथरू नहीं सन केरे, पर कवि दुख विच केवल अथरू ही केर रहा है। उसनू जापदा है कि गुरु जी की आरती गाउण लई उसका एक एक अथरू भी योग नहीं है, इस करके अथरू केरन वाला कवि अपने आप नू गुरु जी की आरती का गीत गाउण दे योग नहीं समझता। वह कित्थों शब्द ते गीत मंग के लियाए जिसनू वह भेंट कर सके गुरु जी नू। मेरा कोई गीत नहीं ऐसा जो तेरे मेज आ जावे, पर ये बाजार विच जाके जो अपना सिर कटा आवे, जो अपने सोल शिंदे बोल नीहां विच चिणा आवे, तिहाए शब्द नू तलवार दा पानी पिया आवे। कवि कहिंदा है कि हे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी,
ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੇਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਸੋਹਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਲੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਯਾਰੜੇ ਦੇ ਸੱਤਰੀ ਗਾਵੇ, ਚਿੜੀ ਦੇ ਖੰਭ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਸੌ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗਾਨੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਗਲ ਪਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਗੀਤ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਅੱਜ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਕਵੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸਨ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਲੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੇਚ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਲੁਟਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਛੀਵਾੜੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚਿੜੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖੰਭ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਵੀ ਦੇ ਗੀਤ ਦਾ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗਾਨੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਗੀਤ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਵੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੈਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਕੇਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪੀੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਛੋਵੇ, ਜੋ ਲੋਹਾ ਪੀ ਸਕੇ ਉਹ ਗੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਿੰਜ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੀਤ ਕਿਤਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਮੇਚ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਤੇਰੇ ਦੀ ਰਲੀ ਲਾਲੀ 'ਤੇ ਲੋਹ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਲੇ ਸ਼ਬਦ ਧੋ ਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕਿੱਲੀ 'ਤੇ ਪਾ ਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁੱਕਣ ਤੀਕ ਤੇਰੀ ਹਰ ਪੈੜ ਚੁੰਮਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਪੈੜ 'ਤੇ ਹੰਝੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਜਗਾ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਰਾ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਆਵਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
कि वह गुरु जी की उस्तत भरी आरती के गीत गाने तो पहला अपना जीवन उन्होंने जीवन आदर्श अनुसार ढालना चाहता है। वह चाहता है कि वह गीत लिखण लई जिन्हां मैले शब्दों की वरतों करता है उन्होंने धो के जीव की किली ते सुकने पा देवे ते उन्होंने सुक के गीत बनने की तैयारी होने तक वह गुरु जी की हर पैड़ नूं चुम्मा आवे ते हर पैड़ उपर अपने अथरू का सूरज भी जगा के वापस परते। इस तरह वह बहादुर बने। मैं शायद फिर कुछ भेट करन योग हो जावां, मैं बुजदिल गीत लैके किस तरह तेरे द्वार ते आवां, मैं केड़े शब्द के बूहे ते मंगण गीत अज जावां, मेरा हर गीत बुजदिल है मैं केड़े गीत अज गावां। कवि कहिंदा है कि मैं बुजदिल हाँ सचमुच, मैं केड़ की तो मंगा बहादरी दे गीत, मैं तेरा गीत गाउण दे भी योग नहीं, मतलब तू इन्ना महान इंसान है। इहदा जिक्र आया बच्चो, केंद्री भाव है बच्चो भी जिन्ना चिर मनुख अपने जीवन के आदर्श नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे उच्च करने वाले कर्मयोगी जीवन दे अनुसार नहीं ढालदा, उन्ना चिर वह उन्हां दी उस्तत दी आरती दा ढुकमा गीत गाउण दे समर्थ नहीं हो सकता। ठीक है बच्चो, भी कल्ला नाम नहीं लैणा आपां, उन्हां दे नाम लैण दे भी योग नहीं जदों तक आपां उन्हां दे जीवन अनुसार उन्हां दी धारणा दे अनुसार नहीं चलदे। आरती किन्हां दी कविता है? शिव कुमार बटालवी जी दी। आरती कविता किसनों संबोधित है? गुरु जी नूं, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं। कवि किस चीज़ का दीवा बालना चाहता है? हंजू का। आरती कविता विच कवि नूं गुरु जी की आरती गाउण लई अपने विचार विच की कमी लगती है? ठीक है, बहादुरी की, कर्मयोगी जीवन की। कवि नूं गुरु जी की आरती गाउण लई अपनी केड़ी चीज़ उन्हां दे मेज नहीं लगती? कोई भी नहीं लगती। अपने सोल छिंदे बोल किसने नीहां विच चिणाई ते तिहाई नूं तलवार दा पानी पिया सी? गुरु जी ने। गुरु जी ने केड़े यारड़े दे सत्री गाया सी? माछीवाड़े विच। कवि नूं अपनी केड़ी चीज़ बुजदिल जापदी है? हर एक गीत। किस दी अगवाई विच चिड़ी दे खंभ दी ललकार सौ बाजां नूं खा जांदी है? गुरु जी दी। कवि अनुसार गुरु जी दी उस्ते गीत केड़ी तलवार दे होनी चाहीदी है? सच दी। कवि गुरु जी दी आरती गाउण तों पहलां अपने गीतां नूं की आदत पाउणी चाहुंदा है? लोहा पीण दी। कवि नूं अपना हर गीत किहो जिहा लगदा है? बुझदे। सो बच्चों, उन्हां वर्गा बनना बहुत मुश्किल है, पर कोशिश करनी चाहीदी है कि उन्हां दे दसे होए राह ते आपां चलीए। उस तों बाद आ गया बच्चों ढोल वजाओ। ढोल वजाओ करो मुनादी, बर्बादी पई करे आबादी, रक्कड़ बीजे बंजर वाहिया, मोड़ मोड़ के डैम बनाया, दूणा चौणा अन्न उगाया, फिर भी वह पूरा ना आया। ढोल बजाओ करो मुनादी, बर्बादी पई करे आबादी। प्रसंग एक काव टोटा साहित्य माला पुस्तक विच दर्ज शिव कुमार बटालवी की कविता ढोल वजाओ विचों लिया गया है। इस कविता विच कवि ने वादी आबादी नूं मनुख लई बर्बादी का कारण दसिया है ते इसनूं रोकण की प्रेरणा दित्ती है। कवि कहिंदा है कि ढोल वजा के ढंडोरा पीटो ते लोकां नूं दसो कि वादी हुई आबादी तबाही कर रही है। देखो देश विच बंजरां नूं वाह के हरा भरा किया सी, उन्हां नूं पाणी देण लई दरियावां उत्ते बन्न बना के नहरां कढ़ियां सन, दूणा चौणा अन्न भी उगाया सी, पर फिर भी पूरा नहीं आ रहा क्योंकि आबादी इन्नी वध गई है। सानूं ढंडोरा पीटना चाहीदा कि वादी आबादी नूं रोको। परबत चीर बनाईयां नहरां, बिजली कढ़ी रिड़कियां लहरां, फर्क मिटाया पिंडां शहरां, परना होईयां लहरां बहरां, ढोल वजाओ करो मनादी, बर्बादी पई करे आबादी। भी परबतां नूं चीर के नहरां कढ़ियां गईयां, पानी तो बिजलियां तैयार कीतियां गईयां। पहलां शहरां च बिजली आउंदी सी, पिंडां च नहीं सी आउंदी, उह भी फर्क मिटाते हर किते बिजली हो गई, पर फिर भी आबादी दे वधण करके हर पासे की आ बच्चो तबाही ही तबाही है, मतलब भुखमरी है। सुनियो सुनियो लोको लोको, कुछ तो समझो कुछ तो सोचो, मथियां दे विच किल ना ठोको, वादी आबादी नूं रोको, ढोल बजाओ करो मनादी, बर्बादी पई करे आबादी। मुनादी करनी बच्चो ढंडोरा पीटना, लोगों को दसना भी सुनो वादी आबादी नूं रोको, ठीक है, नहीं तो आपां गरीब होंदे जावांगे। केंद्री भाव भी यही है बच्चों, लोगों को जोर जोर नाल ढोल वजा के यह दसना
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਢੋਲ ਵਜਾਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਵਾਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਵਾਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਵਾਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ। ਢੋਲ ਵਜਾਓ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਵਾਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਕਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚੋ।